सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यदि आप नगर पालिका सफाई कर्मचारी के लिए जा रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ बातें, जैसे आपको ड्रेस कोड क्या पहनना है, आपके पास कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या आपको लेकर जाना है, इन सब बातों की जानकारी मैं आज आपको दूंगा और आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपके बहुत काम आएगा रिगार्डिंग दिस इंटरव्यू। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे इन टिप्स में, और पर्टिकुलर पॉइंट्स मैं आपको दूंगा, जो जो क्वेश्चन के आंसर्स दूं वही आंसर्स आप देना, डेफिनेटली आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा दोस्तों पर्टिकुलर इंटरव्यू में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ वर्ड्स ऐसे जिन पर आपको कमांड रखने, यानी ये पॉइंट्स तो आपको लेकर ही जाने हैं, पर्टिकुलर ये आवेदन पत्र और ये सब चीजें तो आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें प्रवेश पत्र, आवेदन पत्र, जन आधार कार्ड, जातीय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, दो चरित्र प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, तलाकशुदा, विधवा प्रमाण पत्र यदि जरूरत है। तो चलिए अब दोस्तों देखिए, ये जो चीज़ें आप लेकर जा रही हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग, अगर आप मैरिड है तो लेकर जाएंगे विवाह, अदरवाइज इस पंजीकरण की आपको आवश्यकता नहीं है। अब डिपेंड करता है कि इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और वहां पर जो ट्रेड टेस्ट होता है उसमें आपको क्या करना है। तो देखिए, आज जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स देने जा रहा हूं उसमें सीरीज दूंगा और पर्टिकुलर एक एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताता जाऊंगा, और वो जो इंटरव्यू आपका बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सबसे पहले अगर पार्ट पे चलता हूं तो मैं बॉडी लैंग्वेज और ड्रेस कोड पे चलता हूं, जिसे हम अटायर बोलते हैं। देखिए, आपको इंटरव्यू में क्या पहनना है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ आप अवॉइड करेंगे वो है जींस टी शर्ट, आप बिल्कुल अवॉइड करना, चाहे आप बॉय हो चाहे गर्ल हो, आप जींस टी शर्ट्स वगैरह नहीं पहनेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। सेकंड थिंग, ऐसा कोई बाउंड नहीं है, कोई बच्चे में से पूछ रहे थे कि सर क्या इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या मुझे कोई टाई लगानी चाहिए, तो पहले बता देता हूँ जो जो मैं आपको पॉइंट्स बताता जाऊँ आप यूज़ करिए, आपको तैयारी करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं इस पर्टिकुलर वीडियोज़ के द्वारा, मैंने आपको ग्रुप डी के ऑलमोस्ट 100 वीडियोस ऑलरेडी दे रखी है, पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है ग्रुप डी के नाम से, वो प्लेलिस्ट मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, आपको बेनिफिट देगा। अब दोस्तों क्या है कि आपको जो ड्रेसअप करना है उसमें आप कोशिश करिए कि आप कोई, मतलब इस तरीके की ड्रेसअप ना रखिए जैसे पार्टी वियर ड्रेसअप ना रखिए, आप अपनी जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो बहुत सिंपल सोबर रखिए, शर्ट रखिए, हाफ स्लीव्स रख सकते हो, फुल स्लीव्स रख सकते हो एज पर द वेदर, इसके अलावा आपको कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा आप अगर, मतलब इंटरव्यू देने जब जाते हैं तो आपके जो शूज़ हैं वो ब्लैक कलर में आपको पसंद करूंगा। इसके अलावा अगर आपका जो ड्रेसअप है वो बिल्कुल सिंपल सोबर होना चाहिए। अगर आप गर्ल हैं तो ऑब्वियस है कि आपका जो ड्रेसअप है उसमें सूट्स रह सकता है, उसमें बहुत, मतलब ये नहीं रह सकता कि आप जींस में जा रहे हैं तो टॉप्स में जा रहे हैं, वो आप नहीं रखिएगा, आप कुर्ती लेगिंग वगैरह पहन सकते हैं, दैट वुड बी जस्टिफाइड। और आपकी जो कलरिंग है वो शर्ट की कलरिंग हमेशा लाइट होनी चाहिए, ट्राउज़र की कलरिंग हमेशा डार्क होनी चाहिए, और गर्ल्स भी सोबर कलर पहनेंगे, नो डार्क कलर्स। अब बात आती है कि यदि आप सफाई कर्मचारी के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस है वो आपसे वहां पर कुछ क्वेश्चंस भी पुट अप करेंगे। अब क्वेश्चंस के अंदर किस तरीके की क्वेश्चनिंग होती है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले वो आपसे जो भी क्वेश्चंस पुट अप करें उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने शायद अभी तक अपने वीडियोस में नहीं दी है, वो है कि डस्टबिन के कलरिंग्स। तो डस्टबिन के कलरिंग्स वैसे तो देखो कॉमन में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने ग्रीन, रेड, ब्लू ये सुने होंगे, मगर मैं यहां पर आपको ब्लैक की इंपॉर्टेंस बता देता हूं। ब्लैक जिसका कलर कोड होता है 61L, और साइटोटॉक्सिक वेस्ट और एक्सपायर्ड डेट मेडिसिन, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वेस्ट वगैरह वो रखते हैं, मींस आप उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक वाइट डस्टबिन भी होते हैं 86L, जिसका कलर कोड होता है IM IV, नीडल्स, ब्लेड्स, सूचर नीडल्स और स्केल्पल्स वगैरह आप उसमें डालते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो ग्रीन है वो आप जानते हैं फूड वेस्ट और लीफ वगैरह, सब्जी और फ्रूट्स और ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। फिर आता है नीला, नीले का कलर कोड 52L है, लाल का 31L है, ये कलर कोड्स हैं जो आप देख सकते हैं, ये कलर कोड्स भी आपसे पूछ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब आप सफाई कर्मचारी के लिए जाएंगे वो आपसे एक बार जरूर पूछेंगे कि आप कौन है। अब ये इंटरव्यू एक तरीके से आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कुछ बता सकते हैं। अब एक पॉइंट जो आप यहाँ पर जरूर बताएं, जो मैं आपको हाईलाइट करूँगा, वो ये है कि देखिए, जब आपको बोला जाए कि आप अपने बारे में बताइए, तो यहाँ पर आप अपने बारे में तो बता ही रहे हैं, आप एक बात जरूर बताएंगे और एक बात बिल्कुल नहीं बताएंगे। जो बात आप बताएंगे वो ये है कि यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप उसको हाईलाइट कीजिए और बहुत अच्छे से हाईलाइट कीजिए, यानी कि ये इंट्रोडक्शन एक ऐसा पार्ट है जहां पर आप अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं।
और अपनी फैमिली के बारे में यानी कि अपने परिवार के बारे में तब तक ना बताएं इंट्रोडक्शन के अंदर जब तक इंटरव्यूअर आपसे ना पूछे। यदि वो आपसे पूछते हैं हाँ जी अपने परिवार के बारे में बताइए, बिल्कुल बताइए, मगर जब वो आपको इंट्रोडक्शन का बोल रहे हैं उस समय आप अपनी क्वालिटीज़, अपनी अचीवमेंट, अपनी बातें करें कि अगर आपको एक साल का एक्सपीरियंस है, आपको दो साल का है, पाँच साल का एक्सपीरियंस है, आप उसको हाईलाइट करो, आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अब दोस्तों क्या होता है, देखिए बहुत बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो इंटरव्यूअर आपसे एक ही एक पैटर्न तो नहीं पूछेगा, हो सकता है इस इंट्रोडक्शन को वो टुकड़ों में पूछे। अब आप कहेंगे सर पार्ट्स में कैसे पूछ सकता है, तो देखिए वो आपको डायरेक्ट जाकर बोलेगा हाँ जी आपके अंदर क्या अच्छी बात है कुछ बताइए, कोई आपकी कोई वीकनेस बता दीजिए, आपकी हॉबीज़ क्या है, क्या करते हैं आप फ्री टाइम में, ओके आपके पिताजी क्या करते हैं, मीन्स वो आपसे जनरल टॉक करेगा। और शुरू में तो जाकर हो सकता है वो आपको एक ऐसी लाइसनिंग देने के लिए कोशिश करें सिंपल बातें कि आपका सफ़र कैसा रहा, ठीक है आप वहाँ से आए हैं, अच्छा वहाँ पर क्या फेमस है, मतलब जो प्लेस आप बताते हैं उसके बारे में भी आपको पांच लाइनें कम से कम पता होनी चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि जब इंटरव्यू हो रहा है उस दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहनी चाहिए, बिल्कुल वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए अगर आप सफाई कर्मचारी के लिए जा रहे हैं दोस्तों तो आपकी तहजीब, आप में मैनर्स, एटिकेट्स बरकरार होने चाहिए, मतलब लगना चाहिए कि यार आपके अंदर जो एटिकेट्स है, मैनर्स है वो भरपूर है। अब देखिए बॉडी लैंग्वेज से ही हम दूसरों को बता सकते हैं कि हमारी जो एटिकेट्स है, हमें जो मॉरल मैनर्स है वो बहुत अच्छे है। अब देखिए जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पुट अप करे तो आपका फ़र्ज है कि नॉड करके उनके क्वेश्चन को ढंग से सुनना, फिर बोलना यस सर, जी सर, फिर आपने जवाब देना है। जब आप जवाब देते हैं उस समय कोशिश कीजिए यदि ये क्वेश्चन इस तरीके का है जिसमें आपको ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, मान लीजिए आपको बोले अपने बारे में बताइए, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप सबकी तरफ देखिए, आप कोशिश करिए जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जो नहीं पूछ रहे हैं आपने सबको संबोधन करना है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, नमस्कार सर मेरा नाम मनोज शर्मा है और मेरा जो नाम है सर मेरी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है सर, मैं खुद सर जोवियल पर्सन हूं और अपने माहौल में किसी को दुखी नहीं देख सकता। मैडम मैं श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूं क्योंकि यहां एक मैडम बैठे थे और जैसे ही यहां पर एक सर है तो सर मेरी हॉबीज, मतलब आपने इन्वॉल्व करना ही करना है। यदि आप सबको इन्वॉल्व करके चलते हैं आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा, उनको लगेगा यार ये कॉन्फिडेंट पर्सन है यार अपने काम में। फिर दोस्तों आता है ट्रेड टेस्ट। अब देखिए बहुत बार ऐसा होगा अगर आप एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं तो एक्सपीरियंस के बारे में भी वो आपसे पूछेगा, तो वहाँ पर कहते हैं ना नकल में भी अकल चाहिए, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप दिखा रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा आपको झूठ बोलना है, आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना है क्योंकि आपको ये जॉब चाहिए, तो आप थोड़ी बहुत इस तरीके की बात कर सकते हैं जिसमें आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को थोड़ा सा हाईलाइट करिए। अब यहाँ पर वो आपसे जो क्वेश्चंस पुट अप करें तो ट्रेड टेस्ट के अंदर इन बातों का पता चलता है। अब ट्रेड टेस्ट होता क्या है, देखिए ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स करवाया जाएगा, तो आपने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना है उन व्यक्तियों से करना है जो ऑलरेडी इस तरीके के वर्क कर रहे हैं और सफाई कर्मचारी में लगे हुए हैं, और उनसे कुछ टेक्निक्स, इवन दोस्तों आपको प्रैक्टिकल वर्क अगर आता है मीन्स कार्य करते कैसे है, कार्य को करना कैसे है, हैंडल कैसे करना है, मीन्स ग्रूमिंग कैसे करना है, इवन तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल है। और अगर आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर आपसे कोई बहुत ज़्यादा जीके पूछा जाएगा, बहुत डेप्थ में लेके जाएंगे वो आपसे, बहुत सी वेबसाइट्स के बारे में पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपसे बोलेंगे आपके नाम के से पूछ लेंगे, आपके पिताजी के बारे में पूछ लेंगे, आपको बोलेंगे आप क्यों करना चाहते हैं, और मैक्सिमम बच्चे बता दूं दोस्तों यहाँ पर ओवर क्वालिफाइड होंगे, तो ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा कि भैया आप बी ए हो आप यहाँ आ रहे हो, आप बारहवीं पास हो आप यहाँ आ रहे हो, आप तो एम ए हो और आप ये काम करोगे, तो आपके पास एक बढ़िया सुलझा हुआ आंसर होना चाहिए। अगर आपने उनको सेटिस्फाइड कर दिया तो बेस्ट है, और मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी आपको उम्मीद होगी कि सर कुछ इसमें भी बता दें। तो दोस्तों यदि ओवर क्वालिफिकेशन के बारे में वो आपसे पूछते हैं कि आप ओवर क्वालिफाइड हैं, आप कैसे इस जॉब को करेंगे, तो देखिए दोस्तों इसका जो बेस्ट आंसर है वो ये है कि सर आई होप यू विल एग्री विद, सर मुझे उम्मीद है आप मुझसे एग्री करेंगे कि एजुकेशन का हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर मिलता है। अब देखिए इस बात को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ एजुकेशन ऑलवेज पेस, मगर मैं समझ सकता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतने कैपेबल नहीं होंगे कि एकदम से इतनी इंग्लिश बोलें, तो वो हिंदी में बोलें आराम से, सर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या मैं उम्मीद करता हूँ सर कि आप मेरी बात को जरूर एग्री करेंगे कि एजुकेशन का हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर मिलता है। सर एजुकेशन के दौरान मैंने हार्ड स्किल्स के अलावा बहुत सी सॉफ्ट स्किल्स सीखी है सर, मैंने ये सीखा है कि एटिकेट्स कैसे रखे जाए, मॉरल मैनर्स सीखी है, मैंने सॉफ्ट स्किल्स सीखी है सर, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क किया, अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने का सपना लिया है सर, तो मुझे लगता है सर ये ऑप्टिमिज्म मेरी एजुकेशन से ही मुझे मिला है, और सर मेरे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, और ईश्वर ने अगर मेरी पहली सीढ़ी इस सक्सेस से दी है तो सर मैं तैयार हूँ सर, आगे बढ़ता जाऊँगा सर,
सक्सेस पाता जाऊंगा। और सर मुझे लगता है अगर मैं इस सीढ़ी के द्वारा अगली सीढ़ी पर चढ़ूं तो मैं धीरे 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 प्रोग्रेस जरूर करूंगा अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा। तो सबसे पहले सर मेरा फ़र्ज है कि मैं आपके सिलेक्शन की कसौटी पे खरा उतरूं और ये मैं जरूर करूंगा सर, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं यदि मुझे अपना करियर बनाना है तो सर मेरे को यहाँ पर फर्स्ट मेरा जो वर्क मिल रहा है उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करना है, ईमानदारी से काम करना है। डेफिनेटली सर अगर मैं ईमानदारी से काम करूँगा तो जरूर ग्रो अप कर जाऊँगा सर। और मैं सर खुद कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, चैलेंजेस पसंद करता हूँ और वर्सेटाइल हूँ सर, अपने आप को हर माहौल में एडजस्ट कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने बड़ों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना मुझे अच्छे से आता है सर। और अपने छोटों से काम करवाना, अपने छोटों के साथ काम करना, अपने बराबर वालों के साथ काम करना में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि मेरे सीनियर से यदि मुझे कुछ कहते हैं, कभी डांट भी लगा देते हैं, कभी प्रेशर भी देते हैं, तो मैं इस चीज़ को सर एक्सेप्ट करूंगा और मैं इस चीज़ को अदरवाइज नहीं लूंगा, इसको नेगेटिव नहीं लूंगा, इसको बल्कि पॉजिटिव लूंगा, क्योंकि ये वो टाइम है जिस समय मैं अपने आप को ग्रो कर सकता हूं, आगे बढ़ा सकता हूं। तो बिल्कुल सर मैं आपके दिए गए काम को ईमानदारी से करूंगा, कृपया करके मुझे ये अवसर जरूर दीजिए ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी पावर को दिखा सकूं और ईमानदारी से काम करके आगे बढ़ सकूं और अपने परिवार का भी हेल्पिंग हैंड बन सकूं सर, क्योंकि मैं ही अपने परिवार में सपोर्ट करना चाहता हूं। मेरे इस समय परिवार में सिर्फ मेरे फादर है अर्नर, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनका सपोर्ट करूं क्योंकि वही ब्रेड विनर है सर इस समय। तो अगर मेरा सपोर्ट रहेगा तो ऑब्वियस है सर मेरे परिवार में खुशहाली आएगी और आई रियली नीड दिस जॉब सर प्लीज़। यदि आप इस तरीके से जवाब देंगे तो आपका डेफिनेटली दोस्तों सिलेक्शन होगा। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस से जाना, पूरे कॉन्फिडेंस से बिल्कुल, और पूरा समय देना जितना इंटरवल आपको दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि किसी का इंटरव्यू लगातार 10 मिनट ही चलने वाला है, किसी का 2 मिनट चलेगा, किसी का 7 मिनट चलेगा, किसी का 5 मिनट, पर सक्सेस उसको मिलती है जो उस कम समय के अंदर भी अच्छा जवाब दे। तो मेरी बेस्ट विशेज स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।